Welcome to DJ Maker Pro India, the makers of DJ sound check based testing. Are you ready? Let's start. नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से डीजे के व्लॉग्स में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के लिए आया हूं डीजे मेकर प्रो पे शॉप नंबर 572 पे, और यहां पे आप सभी के लिए आज चार टॉप चार बेस का डीजे सेटअप लेके आया हूं। तो यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हो चार हमारे टॉप रखे हुए हैं, डुअल 15 इंच के टॉप हैं डीजे मेकर की तरफ से होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे चार सिंगल बेस होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दो हमने ओपन रखे हुए हैं, दो क्लोज रखे हुए हैं। सो आज की वीडियो में इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, टॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेस की क्या है, कौन कौन से एम्पलीफायर है, मिक्सर कौन से होने वाले हैं, और साथ में क्या इनका रेट होने वाला है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको को हमारी वीडियोस पसंद आते हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे भैया से मिलते हैं और जानते हैं कि इनमें हमारे कौन कौन से स्पीकर्स यूज हो रहे हैं, एम्पलीफायर कौन कौन से, देन मैं आपको प्रॉपर सेटअप दिखाऊंगा, कैबिनेट दिखाऊंगा, फिटिंग होते दिखाऊंगा, देन डेमो वगैरह सब देखने वाला। तो हाँ जी भैया नमस्ते। दोस्तों और नमस्ते भैया, और भैया कैसे हो? बढ़िया। हाँ जी, तो दोस्तों जो आज हम सेटअप दिखाने वाले हैं आपको, उसमें मैंने बेस दिए हैं चार बेस, जो कि सिंगल बेस होने वाली है फ्रंट लोडेड, और वो ढाई फीट की बेस है, जो इसकी हाइट 2.5 फीट है और चौड़ाई उसकी 2 फीट है। तो एक तरह की स्कूप बेस टाइप है वो बनी हुई, नया मॉडल है, और उसमें हमने जो स्पीकर दिया है वो डीजे मेकर प्रो का 2000 वोट का येल्लो पी डी स्पीकर दिया है। और बात आती है अगर टॉप की, तो टॉप में हमने चार टॉप दिए हैं। चार टॉप में आपको कंबल वाली बॉडी मिलेगी, जिसमें कि नया मॉडल न्यू फोर मॉडल बोलते हैं इसे, स्क्वायर टाइप का जी, स्क्वायर टाइप का, और उसकी जो जाली होती है वो थोड़ी सी दबी होती है बीच में से। उसमें हमने आपको, उसमें हमने 600 वोट के स्पीकर लगाए हैं दो, और एक एचएफ लगाई है 750 की। तो स्पीकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा लगा है। पहले बेस के स्पीकर दिखा देते हमारे पास है जी। जैसे बेस का स्पीकर आप देख सकते हैं कि 18 इंची का बेस का स्पीकर है, 290 की मैग्नेट होती है, 5 इंच की इसकी वॉइस कॉइल होती है। अगर वॉइस कॉइल की बात करी जाए तो मैं आपको वॉइस कॉइल दिखा देता हूँ। ये हमारी डीजे मेकर की 126 एमएम की इन आउट की वॉइस कॉइल है, जो कि ब्लैक वायर में होती है, 2000 वॉट की। आप देख सकते हैं इन आउट की वॉइस कॉइल है, जिसमें कि अंदर भी वाइंडिंग है और बाहर भी वाइंडिंग है। ये जो ब्लैक वायर है, ये एक तरह का हाई रेजिस्टेंस वायर होती है, जिसमें कि हीट नहीं होती है वो जल्दी से, और हाई टेम्परेचर पे भी हीट नहीं होती है। तो इसलिए हम ये ब्लैक वायर लगाते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर पंच भी मिले और ड्यूरेबल भी हो स्पीकर, जो आपको लॉन्ग समय तक आपका साथ दे। इससे आपके जो स्पीकर की परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। तो ये अपने स्पीकर है बेस वाला, तो भी 2000 वोट है ये जी, 2000 वोट है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, जो इसका स्पाइडर आप देख सकते हैं, डबल सिलिकॉन का स्पाइडर ऊपर दिया गया है कंपनी ने, और एक रिंग के नीचे लगता है स्पाइडर। यहाँ पे मतलब ट्रिपल स्पाइडर हो गई जी, ट्रिपल स्पाइडर में आता है। हाँ जी, ये तो सिलिकॉन स्पाइडर है जी, ऊपर सिलिकॉन स्पाइडर है, नीचे एक सिंगल स्पाइडर होता है, जो कि मिला के कॉम्बिनेशन मिला के तीन स्पाइडर हो जाते हैं, एक रिंग के नीचे दो रिंग के ऊपर। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, इसमें लोगो मिलता है आपको डीजे मेकर का, और जो इसकी कोन है वो जैपनीज कोन है। आप इसकी एज देख सकते हैं, बहुत हैवी एज है, जो कि प्योर कॉटन मैटी कॉटन की होती है। सबसे ज्यादा जब डीजे पूरा प्ले होते हैं और जो हाई फ्रीक्वेंसी में बजते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कंपटीशन में आजकल कावड़ का मौसम है, मतलब कावड़ चल रही है, तो उसमें क्या होता है कॉम्पिटिशन होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो एज फटने की शिकायत आती है स्पीकर में। जो 5 इंची का स्पीकर होता है, 5 इंची बोर का स्पीकर होता है, कॉइल का स्पीकर होता है, वो बहुत ज्यादा बेस प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे ये एज फट जाती है। तो कंपनी ने इस चीज़ को ध्यान में रख के ये जो एज है ये प्योर मैटी की लगाई है, जिससे कि आप लोगों को कभी भी इस चीज़ की शिकायत नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं इसमें 16 माउंटिंग होल्स दिए गए हैं, जो कि आपके स्पीकर को पूरा प्रॉपर मतलब सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आपका स्पीकर हिले ना कैबिनेट में, पकड़ बन जाएगी कैबिनेट जी। हाँ, और बाकी तो ये स्पीकर की परफॉर्मेंस आप वीडियो में देख ही सकते हैं, कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इसकी टेस्टिंग का भी आइडिया होगा। टेस्टिंग में ईयरफोन लगा कर जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बेस का इफेक्ट तभी पता चलेगा। तो अभी भैया एक बार हम टॉप के लिए भी स्पीकर दिखा जी, मैं टॉप का स्पीकर दिखा के बारे में बता देंगे कौन से एम्पलीफायर हम यूज करने वाले हैं। तो बात आती है टॉप के स्पीकर की, तो टॉप का स्पीकर आपको मिलता है डीजे मेकर प्रो कंपनी की तरफ से, डीजेएम 600 वॉट, 600 वॉट का ये स्पीकर है, 225 मैग्नेट होती है इसमें, और 4 इंची वॉइस कॉइल होती है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक किट दी गई है, ब्लैक टी योक दिया गया है, जिससे कि इसकी जो पीछे की एयर पास का प्रेशर है वो और ज़्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें पीछे कूप दिया गया है। टर्मिनल्स आप देख सकते हैं, पूरा आरसीएफ टर्मिनल्स दिए गए हैं, और जो फ्रेम दिया गया है वो POD 22/26 का मॉडल इसमें दिया है, 2226 वाले जो जी। इसमें आपको डबल स्पाइडर मिल जाता है सिलिकॉन का, और फ्रंट अगर देखें तो फ्रंट में आपको ब्रांडिंग मिलती है, और 3 वेव की कॉन मिलती है, जिससे आपको
चार इंची वॉइस कॉइल हमेशा बेस के लिए यूज करी जाती है, बट इस स्पीकर में चार इंची कॉइल है तो हमें मिड भी निकालनी होती है स्पीकर में टॉप में, तो इसीलिए कंपनी ने आपको थ्री वेव एज दी गई है। थ्री वेव से क्या होता है कि आपको एज मिड भी मिलेगा और बेस भी मिलेगी। लाइनिंग वाली कोन मिलती है जिससे कि इसका जो एयर प्रेशर है वो पूरा दूर तक जाए, लॉन्ग थ्रो जाए। आप देख सकते हैं, जो आपने देखा होगा कभी वेव्स जाते हुए तो ऐसे ऐसे दूर तक जाती हैं, इसी तरह से ये लाइनें जो हैं वो दर्शाती हैं कि आपकी जो आवाज़ है, मिड की आवाज़ है, जो बेस की आवाज़ है, वो दूर तक जाएगी। थ्री वेव्स का जो मैटर है वो सबसे ज़्यादा ये है कि बेस के साथ साथ आपको मिड भी प्रोड्यूस करेगा। ये काफ़ी हैवी स्पीकर है ये टॉप के लिए। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 600 वोट का स्पीकर अगर आप टॉप में लगाते हैं तो बेस की आवश्यकता नहीं है, बट जिन भैया ने सेटअप पूरा लिया है उनको 2000 वोट की हमने बेस भी दी है। उनका सेटअप जो है बहुत धमाकेदार सेटअप है, आप वो टेस्टिंग में देखेंगे। तो चलते हैं अब टेस्टिंग की तरफ। एक चीज़ और यहाँ पे जो हम एम्स यूज़ कर रहे हैं और साथ में क्या क्या मिलने वाले वो और बता देते हैं। जी जी, जैसे कि इस पूरे सेटअप में हम चार बेस दे रहे हैं सिंगल की और चार टॉप दे रहे हैं हम इसमें डुअल के। एक एम्पलीफायर दे रहे हैं बेस को चलाने के लिए MT 5500 वोट का एम्पलीफायर दे रहे हैं जो कि 6000 वोट तक इसका काम करता है, वो हम दे रहे हैं बेस के लिए, जिसमें कि एक चैनल पे दो बेस चलेंगी और एक चैनल पे दो बेस चलेंगी। एक एम्पलीफायर उनका भैया का पहले से ही था, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि 5000 वोट लीजिए आप, वो उन्होंने भी 5000 हमारा ही कंपनी का ले रखा है पहले, तो वो अपने साथ लेके आए थे कि इस सेटअप के साथ आप मुझे इस एम्पलीफायर पे ही चेक कराइएगा। तो 5000 वोट का एम्पलीफायर जो है हमारा डीजे मेकर का, उस पर आपको हम चार टॉप चलाएंगे जिसमें एक चैनल पे दो टॉप, एक चैनल पे दो टॉप। ये बिल्कुल प्रेफरेबल है और बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको मिलेगा। और साथ में भैया हम क्रॉसओवर भी दे रहे हैं। एक क्रॉसओवर दे रहे हैं DBX की और एक मिक्सर दे रहे हैं डायनाटेक का DDJ3 और फुल वायरिंग का पूरा सेट दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें इंक्लूड है उसमें। जी, सारा कुछ इंक्लूड है इसमें, बेस्ट परफॉर्मेंस है। आप पूरा सेटअप चेक करिए, अगर आप नियर बाय भी हैं तो यहाँ हमारी शॉप पे आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी अपना सामान मंगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आगे चलते हैं, मैं आपको कैबिनेट दिखा दूँ, कैबिनेट हमारी किस क्वालिटी में होने वाली है। फिटिंग देखते हैं हमारे स्पीकर वगैरह कौन से उसमें लगे हुए हैं, देन डेमो वगैरह देख के आपको प्रॉपर पूरे सेटअप का रेट भी यहाँ पे बताने वाले हैं। तो फटाफट सब चलते हैं सेटअप की तरफ। अगेन यहाँ पे आप अपना टॉप देखते हैं, टॉप के हिसाब से आपको मिलता है। बेस में आपको देखा जाए टॉप आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें कंबल के अंदर मिलता है। यूजुअली दोस्तों कहीं कहीं काफ़ी जगह पे कंबल वाले कैबिनेट की काफ़ी डिमांड होती है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कंबल के अंदर अपना डुअल 15 का टॉप। इधर आप देख सकते हो फ्लेयर के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे आपको ग्लास वूल मिलती है अंदर और उसके ऊपर आपको जाली भी मिल जाती है। तो अभी वायरिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है, इससे पहले मैं आपको एक बार क्वालिटी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लाई की क्वालिटी वगैरह देख सकते हो कैसे आपको मिलती है, और ऊपर यहाँ पे आपको कंबल मिल जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बैक प्लेट वगैरह नीचे आपको मिल जाएगी। और अगर बात करें हैंडल्स की तो यहाँ पे आपको ये वाले हैंडल्स मिलते हैं जो हमारे मेटल के होते हैं, तो मेटल वाले आपको हैंडल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमारे 600 वाट के स्पीकर जो हैं वो 15 इंची के लगने वाले हैं। तो इस टाइप से आपको इस स्क्वायर के अंदर मिलता है टॉप जो है, और इसके कॉर्नर्स पे भी आपको यहाँ पे कोने मिल जाते हैं कैबिनेट के जो कोने लगे हुए। नीचे आपको थोड़ा पैडिंग्स मिल जाती हैं जो कि वुड में ही लगी हुई यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक बार स्पीकर्स वगैरह फिट हो जाए देन आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके टॉप और बेसिस कैसे आपको कंप्लीट करके मिलते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हिसाब से हमारे स्पीकर्स की इसमें फिटिंग करी जा रही है, कौन सी नेटवर्क प्लेट है। और यहाँ पे 750 HF का यूज़ करें, मैंने आपको HF दिखा दी थी। फ्लेयर आप देख सकते हो मेटल में है, यहाँ पे वन वे की नेटवर्क प्लेट का यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे वायरिंग देख सकते हो, ये हमारी HF में चली गई ब्लैक एंड येलो वाली, और यहाँ से हमारी आ गई स्पीकर्स में। तो यहाँ से हमारा नीचे प्लेट लगी हुई है और ये एक स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ऑलरेडी, तो उसमें वायरिंग जा रही है। और एक वायरिंग जो ये वाली है हमारी इस स्पीकर में लग जाएगी। सो हमारी फिटिंग हो रही है तो मैं आपको ग्रिल दिखा देता हूँ। ग्रिल में हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलने वाला है, आप देख सकते हो स्टार पैटर्न बोलते हैं, और कुछ इस टाइप से लाइनिंग मिलती है और थोड़ा हल्का सा सेंटर से बैंड करी हुई डिज़ाइन वगैरह जो है यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। सो ये अपनी ग्रिल भी अपनी 16 गेज के अंदर होने वाली है। तो एक बार टॉप रेडी हो जाए देन मैं आपको फिर डेमो दूंगा। सो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ अपने बेसिस की, बेसिस हमारे कैसे रेडी हो रहे हैं, आपको कैबिनेट की क्या क्वालिटी मिल जाती है। सो इधर देख सकते हो हमारे जो बेस होने वाला है, फ्रंट बेस होने वाला है, और कैबिनेट की क्वालिटी मैं आपको भी दिखाता हूँ। अंदर से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वूल मिल जाती है, साथ में वूल के ऊपर जाली मिलती है, ये देख सकते हो। साथ में बैक प्लेट वगैरह लगा दिया, वायरिंग वगैरह निकाल दिया है। तो इस टाइप से आपको क्वालिटी मिलती है जो प्लाई की, प्लाई की आप थिकनेस देख सकते हो, थिकनेस आपको क्या मिलती है। साथ ही साथ जो ये हमारे बेसिस रेडी किए गए हैं, ये हमारे एलन की बोल्ट के साथ रेडी किए गए हैं। इधर आप देख सकते हो एलन की बोल्ट जो है वो लगे हुए हैं। साइड से आप देख सकते हो आपको इनके अंदर ही हैंडल बने हुए मिलते हैं, मतलब हमने इस कैबिनेट के प्लाई के अंदर ही हैंडल्स बना रखे हैं, एक्सटर्नल कोई भी हैंडल्स नहीं लगे हुए। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है डीजे मेकर की, अगेन एलन की से जितने भी हमारे कॉर्नर से सारे फिट करे गए हैं। अभी मैं आपको इसकी जाली भी दिखाऊंगा जो हमारी ऊपर ग्रिल लगेगी वो, लेकिन बॉटम साइड से देख लो आपको यहाँ पे पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और स्पीकर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हम ये वाला यूज़ करें डीजे मेकर का 18 इंची 2000 वाट का। अगर ग्रिल के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको देख सकते हो डीजे मेकर की ब्रांडिंग मिल जाती है, और कुछ इस टाइप का आपको इसका पैटर्न मिलता है जो सर्कल वाला पैटर्न होता है,
ग्रिल के पीछे आपको फोमिंग मिल जाती है ताकि डस्ट वगैरह से थोड़ा आपका प्रोटेक्शन रहे। साथ ही साथ जो ग्रिल की अगर मैं थिकनेस के बारे में बात करूँ तो आपको 16 गेज की इसकी थिकनेस मिल जाती है, तो इधर से आप देख सकते हो। सो अगेन एक बार स्पीकर को फिट करते हैं, देन आपको मैं दिखाता हूँ फ्रंट से कैसा आपका ये बेस जो है रेडी होके वो मिलता है। Check-based testing. Are you ready? Let's start. यहाँ पे आज की वीडियो में मैंने आप सभी को यहाँ पे चार टॉप और चार बेस का जो सेटअप है वो दिखाया। ये सेटअप यहाँ पे जो ये भाई आए इन्होंने लिया था, इनसे पूछते हैं इनको सेटअप कैसा लगा और कहाँ से आया है। हाँ जी भाई, कहाँ से आए हो आप? छपरा से बिहार। अच्छा, तो आपको जो ये सेटअप हमने डेमो आपको करके दिखाया, आपके अकॉर्डिंग आपके सॉन्ग्स पे प्ले किया, आपको कैसा लगा इसका जो साउंड वगैरह है? मस्त लगा। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं? 600 वाट मिला है इसके ऊपर, चार टॉप मिली है, चार टॉप 2000 वाट का बेस है, चार बेस हो गए, चार टॉप हो गए। अब मैं दोस्तों आपको एक बार इसकी डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप ये देख रहे हो चार टॉप है, आपको स्पीकर कौन से लगे, इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स लगे वो सारे मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे एक जो सिंगल टॉप होने वाला हमारा 1300 वाट का होने वाला है, 600 प्लस 600 और यहाँ पे 110 वाट की हमारी HF होती है 750 वो होने वाली है। सेम यहाँ पे हमारा जो बेस है एक बेस 2000 वाट का होने वाला है, मतलब आपको चार बेसेस मिल गए हैं, चार डुअल टॉप मिल गए हैं। यहाँ पे हमने जो हमारे दो एम्पलीफायर मैंने आपको दिखाए उनके ऊपर ये टॉप्स डाले हुए हैं। एक एम्पलीफायर के ऊपर जो DJM 5000 वाट का एम्पलीफायर है DJ मेकर का, उसके ऊपर हमने डाले हुए हैं ये चारों टॉप। तो एक टॉप की कॉन्फ़िगरेशन हमारी 2 ohms की बनती है, तो उस हिसाब से चार टॉप डले हुए हैं, दो टॉप एक चैनल पर, दो टॉप एक चैनल पे। उसी की तरह हमारे जो बेसिस हैं, एक बेस हमारा 8 ohm का है लेकिन एक चैनल के ऊपर हमने दो बेसिस डाले हुए, मतलब 4 ohm के हमारे बेस हो गए और यहाँ पे दो बेसिस से हमारे दूसरे चैनल पे हो गए। बेस के लिए यहाँ पे एम्पलीफायर जो यूज़ करें वो कर रहे हैं 5500 MT वाला एम्पलीफायर है। साथ में आपको क्रॉसओवर मिलता है, 3 चैनल का मिक्सर मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ आपको प्रॉपर इसके जो कॉस्टिंग है क्या होने वाली है पूरे सेटअप की, जिसमें आपको मिलते हैं चार टॉप मिल जाते हैं, चार बेस मिल जाते हैं, दो एम्पलीफायर मिलते हैं, एक मिक्सर मिलता है, क्रॉसओवर मिलता है, साथ ही साथ पूरी वायरिंग मिलती है। तो आपको प्रॉपर जो कॉस्टिंग पड़ती है वो पड़ती है 2,65,000 की। शॉप नंबर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, शॉप पूरी दिखा दी है कि शॉप यहाँ पे आपको पड़ जाती है ओल्ड लाजपत राय मार्केट में, शॉप नंबर 572 DJ मेकर प्रो। तो कॉस्टिंग भी आपको बता दी, इनकी जो डिटेल्स है शॉप एड्रेस वगैरह और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपको स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मैं आप सभी के लिए इसी टाइप की वीडियोज़ लेके यहाँ पे DJ के ब्लॉग्स पे आता रहता हूँ। सो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।